गंगे मैया की। शिव नारायण नारायण 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 शिव नारायण नारायण। नारायण ये नेटवर्क इशू है आज पुणे लगता है।
नारायण नारायण, अब आवाज आ रही है? राम राम। हाँ, अब आ रही आवाज। शुरू से आरंभ करें क्या? हाँ, इतने देर आवाज आई नहीं। अच्छा, सेठ जी की विलक्षण बातें, ब्रह्मलीन परम सिद्धे श्री स्वामी जी महाराज। सामर्थ्य भगवान ने हमें कम नहीं दी, थोड़े समय में बड़ा श्रेष्ठ पुरुष बन सकता है। श्री गोयनका जी जब कानपुर कोठी में रहते थे, ये और कुछ नहीं बना था, यहाँ जंगल था। उस समय बालू में बैठे थे, मुझे याद है कहा था, हम आप जितने भी बैठे हैं उनमें से बिल्कुल मूर्ख हो, पढ़ा लिखा ना हो, महान पापी हो और थोड़ा सा समय रहा हो, अंतकाल आ रहा हो। तीन बातें कही, थोड़े से थोड़ा समय है, पापी से पापी है और मूर्ख से मूर्ख है, वह तुम हम सबसे अधिक हो सकता है, थोड़े समय में सबसे अधिक हो सकता है। लोग कहते हैं कि हमारे पाप है, हमारे दोष हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार भी नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं। इसमें योग्यता नहीं चलती, योग्यता है, पढ़ाई है, सामर्थ्य है, यह चलती है संसार में। संसार में जितनी अधिक होगी उतना संसार में आदर आदर होगा, वहां पद मिलेगा। परमात्म तत्व तो मुक्त में मिलता है, उसमें केवल चाहना चाहिए, भीतर की चाहना कि उसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। बस इस मेरी बात को पढ़े लिखे नहीं मानते, हर एक आदमी नहीं मानता, और बड़े दुख की बात है कि नहीं माने तो न मानो, पर कम से कम मेरी परीक्षा ही करें कि इसके पीछे पढ़ो ये क्या कहता है, यह पागल है क्या, ऐसे पीछे ही पड़ जाओ, क्या बाधा लगी, आपको हानि क्या हो गई। यह तो मैं कहता नहीं हूं कि मुझे कुछ दे दो, ऐसा कर दो, ठगाई आपको क्या होगी। एक संतों की साखी याद आ गई, भाई बुरा मत मानना, सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं। संत दास संसार में कई गुगो कई डोड, डूबन रो सांसो नहीं नई तिरन रो कोड। हमारे भाई बहन समझ गए होंगे, मारवाड़ी है, डूबन रो मतलब डूबने के लिए कोई तो कमी नहीं रखी, और तिरंडो मतलब और वापस बाहर निकलने के लिए कोई कोड नहीं है। हमारी कही हुई नहीं है, संतों की कही बात है। संत संतदास जी महाराज बड़े संत हुए, 250-250 वर्ष जिए थे, उनके कही बात है। बिल्कुल मारवाड़ी ग्रामीण शब्द है, गुग्गू उल्लू होता है जो रात में बोलता है और रात में देखता है, और कौ में मोटा बड़ा काग होता है उसको डोड कहते हैं। कहीं गूगो कहीं डोड, डोड काग को रात को नहीं दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, तो कहीं गुगू है कहीं डोड है, ना रात में दिखता है ना दिन में दिखता है। डूबन डो सांसो नहीं कि हम डूब जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा, हमारी क्या दशा होगी, इसकी तो चिंता नहीं है। और नहीं तिरंडो कोड, हमारा उद्धार हो जाए ऐसा उत्साह नहीं। मैं फिर आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आपको नहीं कहता हूँ कि मैं आपको अधिकारी मानता हूँ, आपको योग्य मानता हूँ, आपको पात्र मानता हूँ, आप उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं ऐसा मानता हूँ। केवल आप इस तरफ विचार नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते, इसको प्राप्त करना नहीं चाहते। सेठ जी की प्राइवेट बातें थी, वो बीमार थे, रतनगढ़ में थे, उस समय कल्याण शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। वह बोलते थे, भाई जी लिख लिया करते थे, भाई जी की वह लिखी हुई कापी उसकी नकल मेरे पास थी, मेरे को उनसे मिलने से बहुत पहले मिली थी, उसमें एक बहुत विचित्र बात लिखी हुई थी, आपको पसंद आवे ना आवे पता नहीं, मुझे तो बहुत ही विचित्र बात लगी, नई ढंग की। उसमें लिखा था, बहुत से संत हुए, उनकी कृपा से लोगों का उद्धार हुआ, अलग अलग
किसी ने कितनों का ऐसे उद्धार किया। भगवान के अवतार से भी बहुतों का उद्धार हुआ, लोगों का कल्याण हुआ, परंतु एक कुर्सी खाली पड़ी है, उस पर कोई नहीं पहुंचा अभी तक, वह खाली है। तो बोलो भाई कौन सी कुर्सी खाली है? मात्र जीव का कल्याण कर दे, कोई जीव भी जन्म मरण में ना आवे, सबका कल्याण हो जाए। तो किसी ने पूछा संभव है क्या? तो सेठ जी ने कहा जब एक का कल्याण संभव है तो 10 का भी संभव है, 100 का भी संभव है, 1000 का भी और 1,00,000 का भी संभव है, तो सबका भी संभव है, गुंजाइश है ना। एक का तो कल्याण हो तो सबका भी हो सकता है, नहीं तो एक का कैसे होगा? संपूर्ण जीवों का कल्याण कर दे, ऐसी एक कुर्सी बाकी है। और एक बात और कही थी कि जीव का कल्याण कैसे हो, किस वर्ण में, किस आश्रम में, किस संप्रदाय में, कैसी परिस्थिति में, उसी में वहां रहते हुए कल्याण हो जाए। यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं, ऐसी बातें तो हम जानते हैं। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि इतना तो आविष्कार हो गया, इतना और बाकी है, यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं। कहीं भी रहे, वे भाई हो कि बहन हो, कैसी परिस्थिति में कहीं भी, वहीं से अपना कल्याण कर सकता है। ऐसी बातें मुझे मिली है, परंतु किसी के दर्शन, स्पर्श, भाषण और चिंतन से कल्याण हो जाए, ऐसी योग्यता वाला मिला नहीं है, ऐसी बात बाकी है। पर मैं ऐसा उपाय जानता हूँ कि मनुष्य ऐसा बन सकता है जिसके दर्शन, भाषण, चिंतन से दूसरे का कल्याण हो जाए। सेठ जी की वहां ऐसी बातें कही थी, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे घर एक दिन भोजन कर ले तो उसका कल्याण हो जाए, ऐसा अन्न बन जाए कि हमारा कि एक दिन रोटी खा ले बस, फिर उसका बेड़ा पार हो जाए। पर मैं बना नहीं सका और कहा कि मैं प्रयत्न में हूँ, कर नहीं सका हूँ अभी, क्योंकि उसमें दूसरों का भी हाथ रहता है। व्यवसाय में तो कई भाई, संबंधी, बहुत से लोग रहते हैं, सबका भाव हो तब हो, उसमें कठिनता है। परंतु दर्शन, भाषण, चिंतन से सबका कल्याण हो, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो उन्होंने यह बात बताई थी कि अपना जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, पठन, पूजन, तीर्थ, तप आदि जो कुछ करे उसका पुण्य है नाथ, सबका कल्याण हो, हमारा नहीं, सबका कल्याण हो, हमारा नहीं, ऐसे रात दिन समर्पण करे संपूर्ण के कल्याण के लिए, मात्र दुनिया के कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जो मैंने समर्पण किया है, इसका भी कोई पुण्य होता है, इसका भी कोई महात्म्य हो, तो उससे भी यही चाहे कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ऐसे ही सबके कल्याण की भावना से कोई पुण्य होता हो तो उससे भी सबका कल्याण हो। जैसे बड़ा एका होता है, एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन तीन नौ, चार चौक 16, इसी प्रकार 100 सौ 10,000, उसी प्रकार बढ़ाता चला जाए, ऐसे पुण्य से भी सबका उद्धार चाहे। मन में, हृदय में यही चटपटी हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। सेठ जी कहते थे कि ऐसा कोई भक्त था, हमें नाम तो बताया नहीं, कौन था, कैसा था पता नहीं, पर सेठ जी की बात सुनाई हुई है। एक भक्त था, उसके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान ने बोला कि भाई क्या वरदान मांगता है? बहुत दूसरी बातें भी हुई पर थोड़ी बात कहते हैं कि महाराज आप कहते हो मांग तो आपको देना पड़ेगा, पहले वचन दे कि तू जो मांगेगा वही दूंगा, वचन दे। अरे वचन क्या दूं, तू मांग। अच्छा मांगो? हाँ तू मांग, तू चाहे जो मांग। भक्त ने कहा महाराज आप हमें वरदान देते हैं तो दुनिया मात का कल्याण कर दो, सबका उद्धार कर दे। भगवान बोले सब अपना उद्धार चाहते नहीं है। भक्त ने कहा महाराज
चाहते तो वे ही मांग लेते, मैं क्यों मांगता, तभी तो मैं मांगता हूं कि सबका कल्याण कर दो। तो भगवान बोले, सबका कल्याण कैसे करे भाई, सबका पाप कौन भोगेगा? तो भक्त ने कहा कि पाप मैं भोगूंगा, अपने दो रहेंगे, एक आप और मैं, सबको पाप मैं भोगूंगा, आप मुझे भुगताएं और सबकी छुट्टी कर दें, सबका कल्याण कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान बोले, तू भजन करता है, तेरे को सबका पाप कैसे भोगाऊं? तो भक्त बोला कि भाई माफ कर दो। तो भगवान ने कहा, भैया तू जीता मैं हारा। तो भक्त ने कहा, मेरी जीत से फायदा क्या हुआ, बात तो आपने अपनी ही रखी, पूरा राजी करते हो कि तू जीत गया, मेरी जीत कहाँ हुई, संपूर्ण का कल्याण हो जाता तो मेरी जीत होती, राजी कर दिया कि तू जीत गया मैं हार गया, इस जीत से क्या फायदा, मैं ऐसी जीत नहीं चाहता हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि सबका कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा, सबका कल्याण तो नहीं, पर तू जिससे बात करेगा, जिसको बात सुनाएगा, जिससे मिलेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। भक्त ने कहा, अच्छी बात है। सेठ जी बोले, वह भक्त उस दिन राजी नहीं होता तो काम बन जाता, पर वह इतने में ही राजी हो गया कि दर्शन भाषण चिंतन से कल्याण हो जाए, याद करने से कल्याण हो जाए, ऐसी बात है। पंडित हरि प्रसाद जी नापा सर वाले एक बार सेठ जी के पीछे पड़ गए कि आप जो एक भक्त की कथा सुनाते हो, यह बात आपकी ही लगती है। तो सेठ जी केवल मुस्कुराकर रह गए, उन्होंने मना नहीं किया। सेठ जी की ऐसे बातें थी, लक्षण बातें उपस्थित थी सेठ जी को, आपका भजन गुप्त रहना चाहिए, भगवान की भक्ति प्रसिद्ध नहीं होनी चाहिए, बड़ी सावधानी से भीतर भीतर रखे। सिर्फ सेठ जी का यह बगीचा था, सब इनकी बात मैंने सुनी है, ये भजन करते थे तो किसी को भी अपना भजन एकाएक पता नहीं लगने देते। इनके पिताजी का नाम था खूब चंसी, लोग कहते खूबर और बावड़ो, खूबे का लड़का, पागल लड़का इसका नाम रख दिया, भजन करते। इनके मित्र थे हनुमान भगत जी गोयन का, वे बचपन से इनके मित्र थे, ऐसे तो पद में काका लगते थे, पिता खूबचंद जी के भाई होते, परंतु सेठ जी के समानी अवस्था होने से इनके आपस में मित्रता थी। सेठ जी इनको हनुमान कहते, वह सेठ जी को जैदा कहते थे, ऐसा आपस में बोलते थे। सेठ जी कहते, हनुमान मैं तेरे कंधे पर हाथ रखता हूँ, तू मेरी निगाह रखना, बच्चे ही तो ठहरे। एक दिन अच्छे भले आदरणीय सज्जन थे, उनसे टकरा गए, वे बोला, ए छोरा देख के नहीं चलता। सेठ जी ने कहा, हनुमान तेने निगाह नहीं रखी। हनुमान भक्त जी ने कहा, तू देख लिया होता, तेरे को राम जी ने आंखें दी है, तू क्यों मीचता है, मीचता है मतलब आंखें क्यों बंद करता है? तो सेठ जी बोले, अरे भाई मेरे को आंखें मीचने का शौक है, आंखें मीचने से भगवान का ध्यान होता था, खुली हाथ आंखों से नहीं होता। इस तरह उन्होंने गुप्त भजन किया, भजन के द्वारा उनको सिद्धि हो गई। इसके बाद मन में आई कि मेरी कई बातें हैं, इनके सिद्धांत बड़े मार्मिक, खूब मजे हुए सिद्धांत है, ये किसी को बताएं तो वे उससे लाभ ले सकेगा, पर मेरी बात सुनेगा कौन, घर वाले माता पिता दोनों भाई तो सुनेंगे नहीं, खूबर और बावड़ो, बावड़े की बात कौन सुने? तो बोले, हनुमान सुनेगा। इसलिए हनुमान बख्शी को पत्र लिखा कि तेरे से मेरे को बात करनी है, तेरे सिवाय मेरी स्त्री, मेरा भाई, माँ बाप कोई मुझे उतना प्यारा नहीं है जितना तू मुझे प्यारा है, जो मेरी हृदय की बात सुनेगा। इनके भी चटपटी लगी हनुमान भगत जी के, और आते ही मिले इनसे, फिर बोला, क्या बात है? तो बोले, एकांत में बताऊंगा। कहा, हनुमान तू भगवान का भजन कर, हनुमान अपनी मित्रता है, तू भजन कर। फिर कई गुप्त बातें बताई, पहले किसी जन्म में तू राजा था, मैं तेरा मंत्री था, मैं वैराग्य के कारण साधु हो गया, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा हो गई,
बहुत लोग मेरे पास आने लगे, उनको प्रवचन सुनाने लगा। इसके बाद मैंने तुम्हें भी प्रेरणा की, तू भी भजन में लग। कई दिन तक तो राजा ने आना करने की, किंतु बाद में अपने पुत्रों का राज्य देखकर राजा भी भजन में लग गया। ऐसे लगने पर मेरा तो शरीर शांत हो गया और मेरी प्रतिष्ठा थी, उसी पद पर वह राजा बैठ गया। अब मान बड़ाई आदर सत्कार पाकर प्रसन्न होने लगा। इसलिए तू तो गया निम्न लोकों में, मैं गया ऊपर के लोकों में। मैंने तुझे साधु बनाया तो तेरा मेरे पर कर्ज हो गया कि मैंने तुझे साधु बनाया तो तेरा उद्धार कैसे हो। मेरा केवल तेरे लिए ही आना हुआ है, नहीं तो मैं आता नहीं। तेरे लिए मैं आया हूँ, तू कहना माने तो अपना उद्धार कर ले। चूरू में हनुमान भगत जी का मकान बनता था। सेठ जी कई बार उनके मकान को देखने जाते थे, जिनके कारण कई बार सत्संग में विलंब हो जाता था। एक बार किसी ने कह दिया कि आप सत्संग के समय भी हनुमान के यहाँ चले जाते हैं, तो सेठ जी ने कहा, हनुमान की कृपा से ही आपको सत्संग मिल रहा है, आप हनुमान को क्या समझते हो। हनुमान जी बड़ी शौकीनी करते, इत्र फुलेल लगाना, बढ़िया कपड़ा पहनना, क्योंकि पहले के राजा थे, आदत थी ऐसी, इसलिए करते थे। सेठ जी कहते थे कि हनुमान तो मुझे मूर्ख समझता है और मैं उसको मूर्ख समझता, ये श्रृंगार करता है। और हनुमान जी समझते ये कैसा जैदा है जो आज दिवाली के दिन भी श्रृंगार नहीं करता, ना तेल लगाता है, ना फुलेल लगाता है, ना इत्र लगाता है, ना बढ़िया कपड़े पहनता है, ये मूर्ख ही है। पीछे बातें हुई तब उनको चेत हुआ। सेठ जी ने कहा, तू भजन में लग जा, फिर उसको भजन में ही लगाए। हनुमान बख्शी खुद कहते थे कि हम लोग प्राय प्राय साथ साथ में कहते थे, जब भी मुझे विस्मृति होती, सेठ जी चट चेताते थे, अरे तू क्या करता है, राम 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 भजन कर, भगवान का नाम ले, ऐसे मेरे को सचेत करते। करते करते मेरी भी भजन में रुचि हो गई। माँ कहती, आ जाओ थोड़ा जीम लो। ये बात बड़ी बुरी लगती कि भजन में बड़ी बाधा होती है, इसलिए हनुमान जी ने कहा, अरे जैदा अपने तो साधु हो जाओ। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है। इसके बाद सेठ जी बोले, देख हनुमान, मेरे द्वारा बहुत काम होने वाला है और मैं साधु बन जाऊंगा तो बस दो कपड़ा रखूंगा, यह सब मैं रखूंगा नहीं, और असली साधु बनूंगा तो काम नहीं होगा। तुमने कह दिया साधु हो जा तो मैंने स्वीकार कर लिया, अब तू कहे तो साधु नहीं होऊंगा, नहीं तो मैं साधु होऊंगा ही, स्वीकार कर लिया। सत्य बोलने पर इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। सेठ जी सत्ता बोलते थे। हरिप्रसाद जी पंडित कहते थे, गांव में लोग कहा करते थे कि बड़ा आया जयदयाल कहीं का जो सच्चा बोलता है। सत्यवादी पुरुष के रूप में इनकी प्रसिद्धि थी। मंगलनाथ जी महाराज को सेठ जी गुरु मानते थे। सेठ जी के भीतर निष्काम भाव बड़ा विचित्र था। वे बीमार हुए, उस समय किसी ने कहा, सेठ जी मंत्र अनुष्ठान करें, कुछ पाठ करें, तो सेठ जी ने कहा कि मेरे लिए जो अनुष्ठान करेगा वे मेरा वैरी है, मैं उसको वैरी मानता हूँ, क्योंकि वे हमारे प्रभु के विधान को बदलना चाहता है। मेरे प्रभु ने जो विधान किया है, जो उसको बदलना चाहते हैं, वह मेरे शत्रु हैं। उनकी बात कितनी विचित्र है। महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं उनको निष्काम भाव का आचार्य मानता हूं। हर एक को पता नहीं है, मेरी बात सुनकर लोग हंसते हैं कि स्वामी जी यूं ही बात करते हैं। वास्तव में भक्ति के आचार्य रामानुजाचार्य हुए, ज्ञान के आचार्य शंकराचार्य हुए और निष्काम भाव के आचार्य सेठ जी ही हुए। बहुत विचित्र का निष्काम भाव है इनका, और निष्काम भाव का इन्होंने प्रचार किया, गीता का प्रचार किया। इस तरह आप सब लोगों को ही चाहिए कि भगवान के भजन में तत्परता से लग जाएं, समय जाने न दे। एक बात और कहनी है, मैंने शरणानंद जी की पुस्तक पढ़ी, जो अपने लिए भजन जब ध्यान तपस्या करता है वह तो
आसुरी संपत्ति वाला है, हिरण्याक्ष है, मैं जीता रहूं इसके लिए तप किया, सब कुछ अपने ही लिए किया। भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए भजन ध्यान जप आदि करते हैं, पर कल्याण के लिए करो, इसमें कोई दोष नहीं है। अपने कल्याण के लिए, उद्धार के लिए ही किया जाए। सेठ जी ने कहा, अपने कल्याण के लिए किया जाए, वह भी निष्काम के तुल्य ही है। निष्काम तो नहीं है किंतु, परंतु उद्धार के लिए किया जाए भजन पाठ सत्संग आदि, तो यह सब ठीक है। हिरणा कश्यप जैसा कोई तपस्वी भी नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा तप किसी ने नहीं किया और कोई करेगा भी नहीं, ऐसा विलक्षण है। खड़ा रहने से शरीर में दीमक लग गई, खाना पीना कुछ नहीं और भजन करना है। जिससे शरीर की दीमक लग गई, ऐसा घोर तप किया, पर मैं नहीं मरूं इसलिए किया, अपने लिए नहीं करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वह भक्ति है, दुनिया के हित के लिए किया जाए वह कर्म योग है, और केवल प्रकृति में कार्य हो रहा है, हमारा कोई संबंध नहीं है, हित अहित कुछ नहीं, सब प्रकृति का ही कार्य है। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर के द्वारा जो क्रिया हो रही है वह प्रकृति में हो रही है, हमारे साथ हमारा इनके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, वह प्रकृति में त्याग दे। भक्त भगवान में अर्पण कर दे, कर्मयोगी जनता को अर्पण कर दे, सबका उद्धार हो। जिसका ऐसा भाव हो जाता है, उसके दर्शन स्पर्श भाषण चिंतन से दुनिया का कल्याण हो जाए, दुनिया का उद्धार हो, ऐसा पुरुष बन सकता है। ऐसा एक स्थान भगवान का खाली है, अभी तक उस पृथ्वी पर कोई नहीं पहुंचा है। हम इतने बैठे हैं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, किंतु मात्र दुनिया का कल्याण हो जाए तो कौन बाकी रहता। सेठ जी का विचार, अपने लिए नहीं करके दुनिया मात्र का हित करने के लिए था, अथवा भगवान की प्रसन्नता ही थी। अपना कोई सुख नहीं, अपना कोई आराम नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भगवान की ही प्रसन्नता। हमारे को दुख हो सुख हो, हमारे को संताप आवे आफत आवे दुख आवे कुछ भी आवे, हमारे लिए हमें करना ही नहीं है, भगवान की प्रसन्नता है, भगवान का विधान है। हमारे साथ जो हो उससे में ही हम प्रसन्न रहे, ऐसे भाव सेठ जी के थे। मैंने बहुत बार कहा है, मनुष्य के लिए दो बात है, भगवान को तो याद रखना और संसार की सेवा करना, और संसार से कुछ चाहना नहीं, भगवान से भी कुछ नहीं चाहना, संपूर्ण दुनिया का कल्याण हो जाए उसके लिए कार्य करना, यह सर्वोपरि है। तो इस तरह की सेठ जी की बातें, हालांकि लेख पूरा नहीं हुआ है, पर समय की है, क्योंकि लेख अभी लंबा है, तो हम इसको ऐसी कोशिश करेंगे कि पुनः अगले सोमवार को, क्योंकि कल तो कल्याण मास पत्र का पठन पाठन होगा, तो अगले सोमवार को पुनः ये लेख बचा हुआ लेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, क्योंकि सेठ जी की ऐसी बातें, और वो भी पूज्य महापुरुषों के मुख से, पूज्य महाराज जी के मुख से अपने को सुनने को मिल रही है, तो ये अपने लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य कहें कि भगवान की कृपा कहें कि ऐसी महापुरुषों की बातें विचित्र विचित्र सुनने को मिल रही है। तो अगले सोमवार को पुण्य है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 नारायण। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मोर बंसी वाले की जय, गंगा मैया की जय, गीता मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय।